हे एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा DIY सीरम जो कि आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा। फ्रिजी हेयर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ अगर आपके बालों को हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। फ्रिजी हेयर्स को भी बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा आपके बालों को। एक बार आप यूज़ करेंगे, आप इसे बार बार यूज़ करेंगे, एक हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आप इसे यूज़ ज़रूर से ज़रूर करें। बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, और साथ ही साथ फायदे इसके बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो फ्रेंड्स, पहले बोलूंगी कि वीडियो को पूरा वॉच करें, अगर बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे तो आपको सब कुछ पता नहीं चल पाएगा। सो वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो में बने रहें, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। बनाने के लिए मैंने बिठा दिया है एक छोटे से पतीले को, और उसमें मैंने एक ग्लास पानी डाला है। हमें इंतज़ार करना है कि पानी में उबाल आने लगे, और करना क्या है कि पानी को उबाल के आधा कर लेना है। पानी में उबाल आने लगा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच चाय पत्ती। फ्रेंड्स, पता है चाय पत्ती में बहुत ही अच्छा गुण होता है जो आपके बालों की हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, और साथ ही साथ बहुत बेनिफिशियल होता है, स्मूथ शाइनी बनाता है। अब ये जो है पानी उबलने लगा है, और हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये बिल्कुल आधा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल आधा हो गया है, और मैंने गैस बंद कर दिया। उसे ठंडा कर लेना है, और उसके बाद आपको छान लेना है स्ट्रेनर से। मैंने यहाँ पे छान, उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक चम्मच कोकोनट ऑयल, मैंने यहाँ पे दो चम्मच यूज़ किया है, तो आप अपनी क्वांटिटी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो चम्मच यूज़ किया है, और उसके बाद अच्छे से उसे मिक्स कर देना है, जो चाय पत्ती वाला पानी है और तेल को। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा कॉटन बॉल जो है वो ख़त्म हो गया था, बट लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा सकते, तो मेरे पास टिश्यू पेपर था। टिश्यू पेपर से भी बहुत अच्छा अप्लाई होता है, आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा, नहीं तो आप अपने फिंगर टिप की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से पार्ट करके पूरे स्कैल्प में आपको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप इसके अमेजिंग बेनिफिट्स देखोगे बाल धोने के बाद ही। अगर फ्रिजी हेयर्स हैं तो बिल्कुल स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे भी किसी किसी के बाल जो है वो वाइट होते हैं, तो वहाँ पे ना आपको मेहंदी लगाए बिना ही आपके वाइट बालों से आपको निजात मिल जाएगी, और बिल्कुल आपके बाल जो है वो मिक्स हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज चाय का पता ही आपको कि स्टेन जो है वो वाइट चीज़ों पे कितना ज़्यादा पड़ जाता है। अगर कपड़े पे भी गिर जाता है तो उसे छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सजेशन दूंगी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना कोई पुराना टी शर्ट या पुराना कुर्ता ही पहने, क्योंकि चाय का जो स्टेन है वो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ देखिए, मैंने पूरे स्कैल्प में बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि फिंगर टिप की हेल्प से आपको मसाज देनी है अपने स्कैल्प में बहुत अच्छे से, ताकि ये जो सीरम है वो आपके स्कैल्प के अंदर पेनेट्रेट हो, और उसका जो फ़ायदा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए। स्कैल्प में अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने पूरे बालों में भी अप्लाई कर लो, जो लेफ़्ट ऑफ द हेयर्स हैं। तो टिप टू बॉटम आप पूरे के पूरे बालों में अप्लाई कर लें, और उसके बाद आप 2 घंटे तक इसे छोड़ देंगे, और उसके बाद आप हेयर वॉश करिएगा। नॉर्मल जो भी आपका शैम्पू होगा उससे हेयर वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तेल है तो आपको शैम्पू अप्लाई करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो जाहिर सी बात है, एक हफ्ते में आपको इसे एक बार करना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। पूरे टिप तक ज़रूर लगाएं, क्योंकि फ्रिजी हेयर्स ना नीचे से बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई दिखते हैं, तो टिप में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोकोनट ऑयल जो है वो आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगा, और जो चाय का पानी होता है वो इसे सिल्की एंड शाइनी बनाएगा। देखिए, मेरे कुर्ते पे तो बहुत ज़्यादा लग गया था, और देन मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मुझे दूसरा कुछ पहन करके करना था। अगर आप अपना कोई अच्छा सा कुर्ता पहने हो या टॉप पहने हो ना, तो आप इन बातों का ध्यान दें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको तुरंत इसको धोना पड़ सकता है, क्योंकि स्टेन्स जो है ना वो जाने वाले नहीं है। फिर मुझे तो तुरंत ही धोना पड़ा था, आप इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद क्या करना है, बस जूड़ा बना लीजिए, और 2 घंटे बाद आप अपने बालों को धो लीजिए, और रिज़ल्ट जैसा भी आया आप मुझे शेयर ज़रूर करना। आप देखना, पता है नेचुरल चीज़ों को ना ज़्यादा टाइम करने पे ही आप उनका फ़ायदा जो है वो नोटिस कर पाओगे।
बिकॉज अब थोड़ा सा करोगे, एक बार करोगे आप बोलोगे अरे यार कोई इफेक्ट नहीं आया, तो ये कोई केमिकल नहीं है ना गाइज, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। और वीडियो में बने रहे इसके लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।